नमस्ते बच्चों, क्लास सेवन का हमने जो है वो थर्ड यूनिट स्टार्ट किया था, प्रॉपर्टीज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। इसमें हमने प्रॉपर्टीज ऑफ जो एयर की प्रॉपर्टीज होती है उसको खत्म कर दिया, वो हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, ठीक है, जो आपके बुक में दिया हुआ है, तो उसको हम जो है वो स्टेप बाय स्टेप पढ़ने की कोशिश करेंगे ताकि आपको जो है वो अच्छी तरीके से समझेगा। देखिए यहाँ पे क्या दिया है, व्हाट आर द स्टेट्स इन विच वाटर इज फॉर्म। देखिए अब हम क्या पढ़ रहे हैं, वाटर की प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं। इन्होंने क्या बोला कि वाटर किस स्टेट में हमें जो है वो मिलता है, ठीक है। तो देखिए वाटर जो मिलता है वो हमें तीन स्टेट में मिलता है, एक होता है सॉलिड, एक होता है लिक्विड और एक होता है गैस। समझ में आ रहा बच्चों? देखिए वाटर जो है वो सॉलिड में हम बोलते हैं कि आइस फॉर्म में होता है, लिक्विड में जो वाटर हम बोलते हैं यानी जो ऑर्डिनरी वाटर होता है, जो लिक्विड फॉर्म में हम पानी पीते हैं, वो हो गया लिक्विड। और गैसेस में जब वाटर को हम गर्म करते हैं तो इसकी जो वाटर वेपर बनती है तो वो होती है गैस फॉर्म में। समझ में आ गया कि वाटर हमें तीन स्टेट में मिलता है, सॉलिड लिक्विड गैस। जो आइस है वो सॉलिड में है, जो लिक्विड है जो हम पीते हैं, और गैस में जब पानी को गर्म किया जाता है तो जो भाप आती है, वाटर वेपर्स निकलते हैं, उसको गैस बोला जाता है। व्हाट इंटरफरेंस विल यू ड्रॉ फ्रॉम द पिक्चर, ये जो पिक्चर दी है वहाँ से आप क्या इंटरफरेंस निकाल सकते हैं। वाटर ऑकर इन अ लिक्विड स्टेट अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन, हमें पता है कि वाटर जो होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है। ऑर्डिनरी कंडीशन यानी जो हमारा जो मिनिमम यानी जो टेम्परेचर होता है एटमॉस्फेयर का रेगुलरली, जो 30 डिग्री सेल्सियस के करीब होता है, तो वहाँ पे पानी कैसे होता है तो लिक्विड स्टेट में होता है। क्लियर? वाटर इज अ फ्लूइड सब्सटेंस, फ्लूइड का मीनिंग वो बहता है। अगर आपने छोड़ दिया कहीं पे ऐसी जगह पे है, आपने छोड़ दिया तो वहाँ नहीं रहेगा, वो ऐसा 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 बहता जाएगा, ठीक है। कहीं पे भी अगर डालोगे तो वो बहता है, फ्लूइड है, ठीक है। वाटर डज नॉट हैव इट्स ओन शेप, वाटर को कोई शेप है क्या? बिल्कुल भी नहीं। आप जिस बॉटल में उसको डालोगे, जिस कंटेनर में उसको डालोगे, उसका शेप जो है वो ले लेता है। क्लियर? बट हैज़ अ वॉल्यूम, उसको क्या है, वॉल्यूम है, यानी वो स्पेस को ऑक्यूपाई करता है। यानी अगर आपने इस बॉटल में डाल दिया तो वो इतनी स्पेस जो है वो ऑक्यूपाई करता है, तो उसको क्या है, वॉल्यूम है। इट कैन पास थ्रू स्मॉल होल्स, वो छोटे से होल्स से भी पास होता है, और सीप थ्रू वेरी स्मॉल गैप्स, यानी गैप्स के भी सीप होता है, क्रैक से वहाँ से भी चला जाता है। ऑन पोरिंग वाटर इन एन ऑयल क्लैड डिश, अगर कोई डिश है उसमें ऑयल लगा है और उसमें आपने थोड़ा सा पानी डाला तो वो पानी जो है वो स्प्रेड नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि जो ऑयल होता है वो और वाटर जो है वो मिक्स नहीं होता। मिक्स न होने की वजह से ऑयल जो है वाटर को रिपेल करता है, और इसी वजह से जो है वो आप देखोगे कि जो वाटर है ये स्मॉल स्मॉल ऐसे छोटे छोटे ड्रॉप जो है वो बना लेता है। क्लियर? अब देखते हैं, आपको यहाँ पे बहुत सारे पिक्चर दिए हैं, वो यही दिखाया है कि वाटर को जो है वो बलून से निकाला जा रहा है, तो उसमें क्या है, अंदर वाटर है, तो वाटर जो है वो छोटे छोटे होल से बाहर आता है, वो दिखाने की कोशिश की है। वाटर वॉल्यूम जो है वो ऑक्यूपाई करता है, कुछ ना कुछ वॉल्यूम लेता है, उसको कोई शेप नहीं होता, ये सारी चीज़ें दिखाने की यहाँ पे कोशिश की है। नेक्स्ट देखते हैं, टेक अ प्लास्टिक बॉटल मोर देन हाफ ऑफ वाटर, आपको क्या लेना है, एक प्लास्टिक बॉटल लेना है। आपने एक प्लास्टिक बॉटल ली है, इसमें पानी भरना है, आधे से ज़्यादा थोड़ा पानी भरना है, बोलते भर दिया। मार्क द वाटर लेवल ऑन द बॉटल, और जहाँ तक आपने पानी भरा है उसको जो है वो किसी परमानेंट मार्कर से वहाँ पे जो है वो मार्क कर लीजिए, किया, और उसको जो है वो आपको अपराइट पोजीशन में ऐसे ही फ्रीजर में रख देना है। आपके घर में फ्रिज होता है, उसके अंदर फ्रीजर होता है, उसके फ्रीजर के अंदर जो है वो आपने उसको रख दी। उसको दो तीन घंटे के बाद क्या करना है, आपको ऑब्जर्व करना है, तो आप देखोगे कि ये जो लेवल आपने मार्क किया था ये लेवल थोड़ा बढ़ जाएगा। यानी जो पानी था, पहले पानी यहाँ तक था, जब वो लिक्विड फॉर्म में था तो पानी यहाँ तक था, पर जैसे इसका आइस में कन्वर्ट हो गया तो ये इसकी वॉल्यूम जो है वो बढ़ गया। यानी वॉल्यूम क्या है, वो बढ़ गया। यानी समझ में आ गया आपको, जैसे वो लिक्विड था और सॉलिड में कन्वर्ट हुआ तो ये पानी ने इतना हिस्सा ऑक्यूपाई किया था, पर बर्फ बनती इसने इतना हिस्सा जो है वो ऑक्यूपाई किया। यानी ज़्यादा हिस्सा जो है वो बॉटल का उसने जो है वो ऑक्यूपाई किया। देखते क्यों किया, यू विल सी दैट द वाटर हैज चेंज इनटू आइस, नोट द लेवल ऑफ आइस, यू विल फाइंड दैट द आइस लेवल इज हायर। क्या बोल रहा है वो कि आइस लेवल कैसी है, हायर है देन वाटर लेवल बिफोर फ्रीजिंग। यानी वाटर की जितनी लेवल थी फ्रीज होने से पहले, अब फ्रीज होने के बाद वाटर की लेवल जो है वो बढ़ गई। व्हाट कैन यू इंटरफियर फ्रॉम दिस, उससे हम क्या बोल सकते हैं, हम यही बोल सकते हैं कि जब वो लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हुआ तो उसका वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम जो है वो बढ़ गया, ठीक है। एज वाटर फ्रीजेस इट फ्रॉम आइस, जैसे वाटर फ्रीज हुआ तो आइस बन गया, तो वो क्या हुआ, एक्सपांड हुआ, एक्सपांड यानी फैल गया, एंड द वॉल्यूम इज इंक्रीज, और इसका वॉल्यूम क्या है, वो इंक्रीज हो गया। ऑन फ्रीजिंग हाउ मच वाटर इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ वाटर, व्हाट्स प्रोपोर्शन ऑफ, ये किस प्रकार से इसका प्रोपोर्शन होता है वो हम समझने की कोशिश करेंगे। देखिए आपने अब दूसरा एक एग्जाम्पल दिया है,
यानी फ्रीज करने के बाद एक प्रॉपर्टी है कि फ्रीज करने के बाद यानी जब लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होता है तो उसका वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाता है, ये हो गई एक प्रॉपर्टी। अब दूसरी, आपको एक एक्सपेरिमेंट दिया है कि एक बकेट लेनी है और उस बकेट में आधा बकेट जो है वो पानी फिलअप करना है और उसमें कुछ चीज़ें डालनी है। देखिए, टेक अ बकेट ऑफ वाटर, एक वाटर की बकेट लेनी है, ड्रॉप मेनी काइंड्स ऑफ डिफरेंट आर्टिकल्स, बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें उसमें आपको ऐड करनी है, मेक द सेपरेट लिस्ट ऑफ आर्टिकल विच सिंक इन, और कौन सी फिर जो है वो उसमें फ्लोट होती है यानी कौन सी तैरती है और कौन सी जो है वो पानी में डूब जाती है उसकी आपको एक लिस्ट बनानी है। टेक सम वाटर ऑन अ पॉट एंड फ्यू पीसेस ऑफ आइस, अब क्या करना है ये लेना है और उस पर बर्फ डालनी है। बर्फ डालने के बाद आप नोटिस करोगे कि बर्फ जो है वो पानी में डूबती नहीं, वो पानी पे तैरती है। तो ये क्यों होता है, ये होता है ड्यू टू डेंसिटी की वजह से, आप उसको भी समझेंगे। देखिए, व्हाई डू यू सी दैट द आइस फ्लोट ऑन वाटर, हमें ऐसा क्यों दिखाई देता है कि जो आइस होता है वो वाटर पे फ्लोट होता है, ऐसा क्यों होता है, क्यों फ्लोट होता होगा, क्योंकि जो आइस है उसकी डेंसिटी कम होती है वाटर से, वो हम समझेंगे कि डेंसिटी क्या होता है। आइस इज लाइटर, हल्का होता है, लाइटर देन वाटर व्हेन वाटर फ्रीजेस टू फॉर्म आइस, जब वाटर फ्रीज होता है और आइस फॉर्म करता है तो वो हल्का बन जाता है, इट बिकम लाइटर देन द ओरिजिनल लिक्विड। देखिए यहाँ पे मैं आपको पहले समझा के देता हूँ, आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। देखिए, अब यहाँ पे पहले इतनी जगह थी, ठीक है, इतनी जगह पे पानी था, अब पानी है, इतनी जगह पे पानी है, ठीक है, यहाँ पे मैंने दूसरी जगह निकाली, वो भी इतनी ही है, सेम जगह है, हमारे पास जगह कैसी है, सेम है। अब यहाँ पे पहले पानी था तो ये बहुत डेंस था, ठीक है, डेंस यानी बहुत पैक था, ठीक है। इसको मैं एक दूसरे एग्जांपल से भी आपको समझाऊंगा ताकि आपको अच्छी तरीके से डेंसिटी क्या है ये समझ में आएगा, डेंसिटी क्या है समझ में आएगा, क्लियर है। अब क्या हुआ, मैंने क्या किया, ये स्पेस को थोड़ा सा, अब इसका जो है ये पहले लिक्विड था, या तो बच्चों समझ में आ गया, ये लिक्विड था, इसमें हमें पानी फिल किया, अब हुआ क्या, इसका कन्वर्शन हो गया सॉलिड में और थोड़ी स्पेस मैंने ज़्यादा बढ़ा दी, स्पेस क्या की, थोड़ी ज़्यादा बढ़ा दी, क्योंकि स्पेस बढ़ती है ना, हमने देखा कि स्पेस बढ़ता है जब लिक्विड का सॉलिड होता है, तो इसका जो डेंसिटी है वो कम हो जाता है। डेंसिटी यानी देखिए, एक रूम है, ये 10x10 की एक रूम है, यानी आपके घर 10x10 पता होता ना, ऐसी 10 फीट, ऐसी 10 फीट एक रूम है, और इसमें आपने जो है वो 100 लोगों को जो है वो भर दिया, क्या किया आपने, 100 लोग लाए और इसमें भर दिया, अब सारे लोग ऐसे पैक हो जाएंगे, क्योंकि 10x10 रूम के अंदर 100 लोगों को फिट करना, यानी पूरे कॉम्पैक्ट हो गए, क्लियर हो गया, यानी कॉम्पैक्ट हो गए, यानी वो बहुत डेंस है, बहुत घना है, यानी किसी को जगह नहीं मिल रही है। अब आपने क्या किया, एक 15x15 की रूम ली और इसमें फिर 100 लोगों को जो है वो, इतने ही जो लोग थे ये लोग, इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। अब जैसे ही आप बड़ी रूम में इसको शिफ्ट करेंगे तो थोड़े जो लोग पहले कॉम्पैक्ट थे वो थोड़े रिलैक्स हो जाएंगे, तो वहाँ पे क्या होता, पहले की अगर हम बात करें यहाँ की, तो लोग बहुत डेंस थे, यानी डेंसिटी बहुत ज़्यादा थी, बहुत लोग कॉम्पैक्ट थे, लोग उतने ही है पर जगह बढ़ने की वजह से अब लोग थोड़ा हल्का महसूस कर रहे हैं, थोड़ा फ्री कर रहे हैं, तो डेंसिटी क्या हो गई, थोड़ा विरल हो गया, तो उसको क्या बोलेंगे, इसकी डेंसिटी जो है वो क्या हो गई, कम। पहले लोग यहाँ थे, अब लोग यहाँ, एक यहाँ, ऐसे थोड़े, उसकी डेंसिटी जो है वो कम हो गई, समझ में आ गया। उसी प्रकार यहाँ पे पानी में होता है, अब आप पानी उतना ही है, ठीक है, सिर्फ जगह जो है वो बढ़ने की वजह से जब ये आइस बनता है तो इसकी डेंसिटी क्या होती है, कम हो जाती है, क्लियर, यानी थोड़ा फैलने की वजह से वो थोड़े रिलैक्स हो जाते हैं, रिलैक्स होते हैं मतलब क्या है, वो इसकी जो डेंसिटी का मीनिंग क्या होता है, डेंस का मीनिंग क्या होता है, कॉम्पैक्ट। अब और वैसे फ्री हो जाएंगे तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ बहुत अच्छी तरीके से समझना है, डेंसिटी आने वाले क्लासेस में आपको इसको और एडवांस लेवल में सीखना है। तो समझ में आ गया, तो डेंसिटी क्या हो गई, यहाँ पे कम हो गई, तो डेंसिटी कम होने की वजह से अब ये पानी है, पानी की और बर्फ की अगर हम बात करें तो इसकी डेंसिटी कम है, पानी की डेंसिटी ज़्यादा है, इसी वजह से बर्फ यहाँ पे जो है वो तैरता है, क्योंकि उसकी डेंसिटी कम होने की वजह से वो थोड़ा हल्का हो जाता है, उसकी वजह से वो तैरता है, समझ में आ गया। आइस इज लाइटर देन वाटर, आइस क्या होता है, वाटर से हल्का होता है, व्हेन वाटर फ्रीजेस टू फॉर्म आइस इट बिकम लाइटर देन ओरिजिनल लिक्विड, तो वो ओरिजिनल जो लिक्विड होता है उससे थोड़ा हल्का बन जाता है। व्हेन वाटर फ्रीजेस, जब वाटर फ्रीज होता है यानी आइस बनता है, व्हाट इज व्हेन इट ट्रांसफॉर्म इनटू सॉलिड स्टेट, वो सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट होता है, इट्स वॉल्यूम इंक्रीजेस, और इसका वॉल्यूम क्या है वो इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है।
देयरफॉर द डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन द वाटर, और इसी वजह से जो आइस की डेंसिटी है वो क्या है, वाटर से कम है, दैट्स व्हाई द आइस फ्लोट ऑन वाटर, और इसकी वजह से आइस क्या होता है, वाटर पे फ्लो होता है। अब डेंसिटी जो होता है उसका फॉर्मूला है, एक डेंसिटी यानी कितना मास है और उसने कितना वॉल्यूम जो है वो ऑक्यूपाई किया है, उससे वो डिटरमाइन किया जाता है। जो मास होता है वो हम ग्राम में लेते हैं और ये क्यूबिक सेंटीमीटर में लिया जाता है, यानी सेंटीमीटर का क्यूब, ठीक है, इसको हम सीसी बोलते हैं, यानी क्यूबिक सेंटीमीटर। अब देखिए डेंसिटी ऑफ वाटर, द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूम एंड मास ऑफ सब्सटेंस। डेंसिटी यानी क्या होता है, वाटर की डेंसिटी क्या है, कितना मास है और कितना वॉल्यूम है, उसका जो इंटर रिलेशनशिप है उसको ही हम क्या बोलते हैं, डेंसिटी। यानी डेंसिटी का आपको फॉर्मूला याद रखना है, मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय सब्सटेंस इन इट्स वॉल्यूम, वो कोई भी सब्सटेंस ने कितनी स्पेस, कितनी जगह, यानी इस बॉटल ने इतनी जगह जो है वो ऑक्यूपाई की थी, तो इसका वॉल्यूम पहले इतने था, अब थोड़ा बढ़ गया तो इसका वॉल्यूम इतना था। वॉल्यूम यानी क्या होता है, कोई भी सब्सटेंस कितनी स्पेस, कितनी जगह ऑक्यूपाई करता है उसको हम क्या बोलते हैं, वॉल्यूम बोलते हैं। एंड मास क्या होता है, स्टोर्ड ऑफ मैटर, उसके अंदर कितना मैटर भरा हुआ है उसको बोला जाता है उसका मास। तो डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। मास इज मेजर्ड इन ग्राम्स, तो मास हम किस में मेजर करते हैं, ग्राम्स में भी होता है, किलोग्राम्स में भी होता है, एंड वॉल्यूम इज क्यूबिक सेंटीमीटर में भी होता है, या फिर जो है वो अलग अलग इसमें हम लीटर में भी लेते हैं, ठीक है। हेंस डेंसिटी क्या होता है, ग्राम पर, एक जनरल फॉर्मूला है, ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, यही आपको जो है वो याद रखना है। केजी का अगर आपको दिया जाएगा तो फिर आपको और दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो आपको सिंपल ग्राम और क्यूबिक सेंटीमीटर इसमें रखना है याद। अब यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि हेंस ग्राम पर, इसको कैसे लिखा जाता है, ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर आपको यहाँ पे दिया है, यह है यूनिट ऑफ डेंसिटी का। अब देखिए, इफ द मास ऑफ वन लीटर ऑफ वाटर इज एक किलोग्राम, अब वाटर है हमारे पास, कितना वाटर है, एक केजी है, और इसका ये कितना है, वॉल्यूम कितना है, एक लीटर, ठीक है। एक लीटर यानी कि एक केजी यानी 1000 ग्राम, और एक लीटर यानी 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर, तो ये कट हो जाएगा और ये आएगा हमारा आंसर 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, क्लियर। अगर तो डेंसिटी कितनी होगी इसकी, 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। अगर एक किलो का वाटर, इसका जो मास है वो एक किलो है और उसने एक लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है, तो उसकी डेंसिटी कितनी आएगी, 1000 डिवाइडेड बाय 1000, ये ग्राम मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, यानी मास इतना है, वॉल्यूम इतना है, इसको डिवाइड किया, 1000 1000 कैंसिल हुआ, आंसर आया 1 यूनिट, आया ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, तो वो क्या होगी, उसकी डेंसिटी होगी। तो बच्चों ये समझ में आ गया होगा आपके कि जी प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर में ये डेंसिटी वगैरह क्या होती है। अब नेक्स्ट इसमें हम एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर क्या होता है वो समझने की कोशिश करेंगे। आज का वीडियो समझ में आया, अच्छा लगा, एक लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना, चैनल पर नए सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।